हुए तीनों को ही उम्र कैद की सजा, इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उमेश पाल के परिजन हैं, उमेश पाल की मां और पत्नी यहां पर मौजूद हैं और मीडिया से बातचीत के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि फांसी की मांग लगातार की जा रही थी और अब जब उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, वो फैसले को लेकर संतुष्ट हैं नहीं है, क्या कुछ कहती हैं वो यहां पर सुनते हैं। जी, जिस चीज का इंतजार था आपको, अब अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए बेटा, हम पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल बाद पाल कर लड़े, उनका अपहरण किया इसने, अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता, लेकिन उस समय उसके साथ के कॉलेज के लड़के और सब काफ़ी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया, शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, क्या जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया, उसको उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी, तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है, उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ, मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी, इसलिए मेरा यही निवेदन है जो भी अदालत फैसला दे, ने मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए, ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया, साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे, तो मतलब ये जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली उनके वर्दी पर कीचड़ मारा है, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, आप लगते हैं कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3-3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है, इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खुखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है, वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई जाए, इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? अब सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और तीनों को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया, इसने ना कलम की इज्जत किया, ना काली कोट की किया, ना खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं, इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। माता जी, चलने हाई कोर्ट में अपील करेंगे क्या? 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इसमें अशरफ एक है, अतीक का भाई जो अशरफ है उसे बरी कर दिया गया है, टोटल 7 कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें तो मेरे बेटे ने बताया था 10 लोगों के, वो सब जो वकील आएंगे हमारे तो सारी चीजें बताएंगे। अब ये है कि मेरे बेटे का जो मर्डर हुआ है उसमें तो किसी ने देखा नहीं, वो तो पूरा
सीसी फुटेज में दिखा रहा है। अब उस पर जो भी निर्णय ले अदालत या मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय ले वो तो सीसी कैमरे में पूरा कैद है। आप फांसी की मांग कर रहे थे लेकिन उम्र कैद की सजा दी गई है, तो क्या आपको डर बना रहेगा आपके मन के अंदर जैसा कि आप पहले भी बता रहे थे? हमने क्या कहा बेटा कि देखिए उसको आजीवन कारावास दिया है लेकिन ये जेल के अंदर उसको पूरी सुविधाएं मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती तो हम क्या जाने कि वहाँ सुख क्या सब कुछ करा सकता है। मतलब आप जेल में जाएगा लेकिन घटना को अंजाम दे सकता है? दे सकता है, अभी भी दे सकता है। आप उम्र कैसे संतुष्ट हैं? जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो क्योंकि मेरे आदमी का अपहरण केस था इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले आलोचना नहीं की जा सकती। अगर न्यायालय के निर्णय की आलोचना किया जाना अवमानना अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है, उसको चुनौती दी जा सकती है अपर न्यायालय में। कब देंगे आप लोग, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है आपने, कितने दिनों के अंदर करेंगे आप लोग, क्योंकि आज तो फैसला अभी प्रतिलिपि मिलेगी तैयार होगा तो उसके बारे में भविष्य भविष्य तो अंधकार है ना। सर अतीक को क्या साबरमती सर शिफ्ट करेंगे अभी आपके बारे में पूछे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अभी साबरमती में है, तो क्या अभी आज सजा मिलने के बाद साबरमती लेके जाया जाएगा या फिर सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की माना जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वकील का ये कहना है कि अब हम जो है उच्च अदालत तक जाएंगे, और इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि अतीक मामले में अपहरण मामले में सजा का ऐलान हो गया है, अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उमेश पाल के मर्डर केस में अभी तक उमेश पाल के मर्डर केस में वो अभियुक्त नहीं है, लेकिन पूछताछ की परमिशन तो मांगी गई, कतई नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो अभिरक्षा में न रहे कानून की निगाह में। अशरफ का तो अशरफ दोष मुक्त कर दिए गए, तो क्या वो बरेली लौट जाएंगे वापस बरेली जेल में? निश्चित रूप से। ठीक है, अब राजू पाल को लेकर जिस तरीके से अभी राजू पाल के बारे में मैं कुछ बताने में समर्थन नहीं हूँ। उमेश पाल का परिवार कह रहा है कि न्याय की जीत हुई है, न्याय मिला है मैक्सिमम सजा के बाद। आप उनकी बात आप प्रसारित कर दीजिए। लेकिन मैं तो आपकी बात करने के लिए भी हमारी मैं अपनी बात क्या रखूं, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के विपरीत मैं क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे जिस तरह से देना चाहे वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा सरकार देगी जो भी।